हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत ही जल्दी उठ गया हूँ। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। यूजुअली मैं अभी तक सोता रहता हूँ, अभी जाकर उठता हूँ, पर वीडियो रिकॉर्ड करने के एक्साइटमेंट में आज मैं बहुत ही जल्दी उठ गया। तो अभी मैं मेस जा रहा हूँ खाने के लिए। तो चलिए आज हम लोग पूरा VIT देखते हैं, एक स्टूडेंट का जो फुल डे का जो रूटीन होता है। और अभी हम लोग क्लास जा रहे हैं। वैसे क्लास में सिर्फ 5 मिनट बचा है, तो यहाँ पे क्लास जो है 2 शिफ्ट में होता है, 8 बजे भी होता है और आफ्टरनून में भी होता है। तो ये आपके FFCS पे डिपेंड करता है। FFCS का मतलब है फुल्ली फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम। उसमें हम लोग को सेलेक्ट करना रहता है कि क्लास को मॉर्निंग शिफ्ट में लेना है या इवनिंग शिफ्ट में लेना है। तो मेरा क्लास जो है मॉर्निंग शिफ्ट का है। तो बस हम जा रहे हैं 8 बजे की क्लास में, 7:55 पे। 7:55 पे हम लोग अभी रोड पर हैं, अभी जाने में भी टाइम लगेगा। अभी वो आपको भीड़ दिखेगी वहाँ पे इतनी सारी। तो चलिए मैं आपको VIT का एक बड़ा मस्त चीज़ दिखाता हूँ। मैं एक टनल से जाने वाला हूँ, वहाँ का मैं आपको कंडीशन अभी दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, अभी मेरा एक क्लास खत्म हुआ है, मैं दूसरे क्लास के लिए दूसरे रूम में जा रहा हूँ। तो अभी फिलहाल मेरी सारी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, अब मैं हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। अब मेरी नेक्स्ट क्लास जो है वो 2 बजे से है, तो उसके बीच में मुझे लंच करना है और भी मुझे थोड़ा वीडियो एडिटिंग करना है। I'm back to my room. So, अब मेरा क्लास 2 बजे से है, तो अब मैं उसके पहले खाने के लिए जाऊंगा। तब तक अब मुझे थोड़ा सा एडिटिंग करना है। So, it's the time for lunch with अभिजीत भैया। बज रहा है 2:05 और मेरा 2 बजे से लैब क्लासेस था। तो यहाँ पर लैब जो है मैंने आफ्टरनून में लिया है, तो अभी मैं लैब जा रहा हूँ। तो अभी मेरी 2 लैब क्लासेस हैं जो कि 5:30 बजे तक चलेगी। तो फिलहाल तो मुझे जल्दी से लैब पहुँचना है, वरना मुझे प्रोफेसर घुसने नहीं देंगे अंदर। अभी मेरा क्लास ख़त्म हुआ है, जो कि मेरा था मेन बिल्डिंग में, पर अनफॉर्चुनेटली वो टीचर नहीं आए थे, सो दैट्स वाई। पर मेरा नेक्स्ट जो लैब है, अब उसके लिए मुझे अभी TT जाना है। गाइज, यहाँ पे VIT में एक चीज़ हमें बहुत परेशान करती है कि हमारा बहुत सारा क्लास जो होता है ना, डिफरेंट बिल्डिंग में लगता है। एक क्लास हमारा MB में रहेगा, फिर अगला क्लास हमारा TT में रहेगा, फिर अगला क्लास SJT में रहेगा। हर क्लास के बीच में 10 मिनट्स का गैप होता है, और उसी 10 मिनट्स के गैप में हम लोग को एक दो किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। वैसे इस बार मेरा कोई वैसा शेड्यूल नहीं है, बिकॉज वो आपके FFCS पर डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने आपको सुबह में बताया था कि जब आप FFCS भर रहे होते हो, तो उस समय आपको सेलेक्ट करना रहता है कि कौन सा क्लास कहाँ चाहिए। पर बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर के प्रेफरेंस के कारण, या तो अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है या फिर उस स्लॉट में नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको इस तरह से लेना पड़ता है क्लास कि आपका फिर क्लास दाएं बाएं डिवाइड हो जाता है।
गाइस अभी मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, पर डोंट गेट कंफ्यूज, लाइब्रेरी हमारा डे इन वीआईटी में नहीं आता है, वो लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन है। पर अभी मुझे एक फ्रेंड के लिए वेट करना है, अभिजीत के लिए, सो दैट्स व्हाई अभी मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में वो आएगा तब मैं उसके साथ फिर बाहर निकलूँगा। चलिए इसी बहाने मैं आपको लाइब्रेरी भी दिखा देता हूँ कि हमारा लाइब्रेरी कैसा है, वरना बिना एग्ज़ाम का तो हम लोग लाइब्रेरी जाते नहीं हैं। तो फाइनली अब हमारा एकेडमिक टाइम खत्म हो गया, मीडिया को दूर रखिए, अब एकेडमिक टाइम खत्म हो गया, अब हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। तो फिलहाल अभी हम लोग कैंपस के बाहर जा रहे हैं ऐसे ही घूमने फिरने के लिए, गेट नंबर 2 से। हाँ, गेट नंबर 2 से, और फिर एंट्री करेंगे गेट नंबर 1 से, और उस समय मैं आपको वहाँ का सीन दिखाऊंगा जो कि रात में बहुत ही अच्छा लगता है। #hostellife #खत्म हो गया हो गया हो गया। वीआईटी का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे हर कुछ मिलता है बेसिकली। अभी हम लोग फूडीज में हैं, ये वीआईटी का वो स्पॉट है जहाँ पे सारा सेलिब्रेशन पार्टी भी, आपको अगर सामने आकर बैठना है तो आप यहाँ आके बैठ सकते हैं। ये बेसिकली अड्डा है सामने, एंजॉय करने वो वाला नहीं। हाँ, ये वाला अड्डा नहीं है, ये एंजॉय करने वाला सामने बैठने वाला उसके लिए अड्डा है। और अभी ग्रेविटास होने वाला है, तो ग्रेविटास रिवेरा आने वाला है। अच्छा सॉरी, रिवेरा आने वाला है, ग्रेविटास पास कर चुका है, तो रिवेरा आने वाला है, तो उसके लिए यहाँ पर प्रिपरेशन चल रहा है। तो हमारा अभी का शेड्यूल ये रहता है कि हम लोग खाना खाने के बाद अक्सर रात में घूमते हैं थोड़ा देर, यही मेस के पीछे हमारा काफ़ी लंबा स्पेस है, तो हम लोग यहीं पर बस नाइट में वॉक करते हैं थोड़ी देर के लिए रूम पर जाने से पहले। कैट से बिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं किटन, और हमने रात का डिनर खाया चिकन। थैंक यू। वाओ, दैट वाज नाइस। थैंक यू। तो गाइस फाइनली अपने पूरे दिन का शूट खत्म हुआ, तो पूरा दिन हम लोगों ने देखा कि वीआईटी का डे कैसा स्पेंड होता है एक नॉर्मल स्टूडेंट का, एक नॉर्मल डे पर इससे भी ज्यादा हैक्टिक होता है डेज हमारा, और कभी कभी बिल्कुल भी खाली हो जाता है। तो एक नॉर्मल रूटीन है ये इस तरह का वीआईटी में, जिसमें कि जो सबसे अजीब चीज होता है वीआईटी में वो होता है कि हर एक पीरियड के बाद हम लोग को बिल्डिंग चेंज करना पड़ता है। हेलो गाइस, तो फाइनली अब मैं अपने रूम में हूँ सारे दिन का सारा चीज को खत्म करने के बाद एंड रात का डिनर करने के बाद। अब मेरा थोड़ी देर में एक मेरा ऑनलाइन क्विज है, और उसके बाद फाइनली मैं निकलूंगा अपने क्लब एंड चैप्टर्स के काम के लिए, जो कि हमारा 9 बजे से 1 बजे रात तक चलता है। तो फिर उसके बाद ये फाइनली व्लॉग खत्म होगा, और मेरा एक डे का जो पूरा डे का रूटीन है वो फाइनली जाकर खत्म हो जाएगा। तो फाइनली हमारे डे का लास्ट शूट,
तो हमारा ये लास्ट मोमेंट है, अभी हम लोग अपने क्लब्स एंड चैप्टर्स के लिए जा रहे हैं, जिसकी मेरा है टीम रोटर और ये फिलहाल एनजीओ के लिए जा रहे हैं। वैसे अभी करीब 10:30 बज रहा है, वैसे वीआईटी में फ्रेशर्स को 9 बजे के बाद बाहर रहना अलाउड नहीं है, तो हम लोग को जाने के लिए स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है। सो वो हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास काम है, तो दैट्स व्हाई हम लोग निकल सकते हैं स्पेशल परमिशन लेके। 9:30 बजे के बाद वीआईटी का सीन। ये रहा हमारा डांस करने वाला फ्रेंड, जो कि अभी डांस करने वाला है रिवेरा में। कौन सा डांस है? फ्लैश मॉब। तो गाइस फाइनली मेरा नाइट सेशन ख़त्म हो चुका है, तो अब मैं फाइनली हॉस्टल जा रहा हूँ और अब मेरे पास कोई काम नहीं बचा है सोने के अलावा। तो फ्रेंड्स फाइनली अब टाइम आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का। तो मैंने आपको सुबह से लेकर शाम तक का अपना रूटीन बताया है, जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट का वीआईटी का जो रूटीन होता है, मैं एग्जैक्टली नॉर्मल नहीं बोलूँगा, पर जो लोग चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, जो क्लब चैप्टर में इन्वॉल्व हैं या जो अलग अलग डिफरेंट टाइप की चीज एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं, उन लोगों का रूटीन कुछ हद तक इसी तरीके का रहता है, पर हर का नहीं रहता है। लोग बहुत सारे लोग फ्री भी रहते हैं क्लासेस के बाद, अगर वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं तो वो बिल्कुल ही फ्री रहते हैं, तो वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा, या अगर आप जानना चाहते होंगे कि वीआईटी का क्या टाइम टेबल होता है, क्या लाइफस्टाइल होता है एक दिन का, तो अब बस डे खत्म हो चुका है, रात का 1 बज चुका है, सो बस अब सोना है और कल से वापस सेम रूटीन। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड नाइट।